To our player of the match, once again, Surya Kumar Yadav, who will receive his player of the match award. Love him. Ow. Oh! नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द क्रिकेट एरा कंपनी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए सूर्य कुमार यादव के ऊपर थग लाइफ और साथ ही साथ में देखेंगे उनके फनी मूवमेंट्स के साथ साथ सैवेज रिप्लाई। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, एक बार ईशान किशन इंटरव्यू ले रहे थे सूर्य कुमार यादव का और उनसे पूछ रहे थे कि आपकी वाइफ स्टेडियम में नहीं आई थी तो आपको पावर कहाँ से जनरेट हुआ। आई लव यू भाभी, बट आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जहाँ तक पता चला है आपके कंप्यूटर वाले दिमाग से कि भाभी ट्रेंट विच वाले दिन आई नहीं थी मैच देखने, आपने 100 किया था, फिर सब मैचेस में आई और आज नहीं आई भाभी, और आज भी आपने 76 किया, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? जो आपने हमें बोला डगआउट में, मैं चाहूंगा कि आप उस आंसर से शिफ्ट नहीं हो, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, आज नहीं कभी भी, जब झूठ बोलता है तब अकलाता है, मैं बिल्कुल भी अकलाऊंगा नहीं, मैं वही बोलूंगा जो मैंने डगआउट में बोला था। कभी भी क्या होता है कि पार्टनर का ग्राउंड पे आना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि वो साथ में रहे और वो एक कंट्री में मेरे साथ में है, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैंने उसका नाम का टैटू भी बनाया है, हमेशा मेरे दिल के करीब ही रहती है। ग्राउंड पे आना नहीं आना वो तो कोई बात नहीं, बट वो साथ में तो है ना, सेम कंट्री में, तो वो पावर जो है वो ग्राउंड पे आ ही जाती है उसकी। जनाब, आप लोगों को पता ही होगा कि एक बार विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव का आईपीएल में झगड़ा हो गया था। उसके बारे में एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया सूर्य कुमार यादव से, तो सूर्य कुमार यादव ने उसके बारे में क्या बताया, आप खुद देख लीजिए। तो स्टेरिंग मैच हुआ था विराट के साथ, वो मैच में दो शेर एक दूसरे को देख रहे हैं, पर चीकू के साथ क्या हुआ था उस मैच? उनका तो ऑब्वियसली स्टाइल है, जो एनर्जी उनका अलग ही लेवल रहता है ग्राउंड में, और वो गेम इतना इम्पोर्टेंट था दोनों टीम के लिए, तो अलग ही लेवल पे था उनका स्लेजिंग वो मैच में। तो और मैं खुद पे एकदम फोकस था कि बॉस कुछ भी हो जाए अपना फोकस हटाना नहीं है, मैच तो जीताना ही है कैसे भी, बोलना कुछ नहीं। तो वो बॉल गई, उन्होंने उधर से एक्शन किया और इट वॉज वेरी इंस्टिंक्टिव, मतलब मैं च्युइंगम चबा रहा था, मुझे पता है वो सिचुएशन में अंदर मेरा पूरा फटा हुआ है, पूरा अंदर हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई, आदमी सामने से चल के आ रहा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, च्युइंगम चबा रहे, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, भाई पैर पड़ रहा हूँ तेरे, कुछ बोलना नहीं है। अपने आप से बात है। हाँ, अपने आप से कुछ बोलना नहीं है, 10 सेकंड का ही बात है, नया ओवर चालू हो जाएगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा वो। तो जनाब, आप लोगों ने सूर्य कुमार यादव को अभी तो बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उनको एक्टिंग भी बड़ी अच्छी आती है। सूर्य ने ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है, फिल्म हेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले हैं बाबूराव वाला, वो थोड़ा बताओ ना, अर्चना जी को करके बोल रही थी मैं उनको दिखाना लाइव। अभी मजा आएगा ना वीडियो। अरे इतना जोर से कैसे चिल्लाते है? तो अक्षय कुमार बोलते है स्टाइल है बाबू भैया स्टाइल, तो ये जोर से झापड़ लगे, ए बाबूराव का स्टाइल है। रुको जरा, सबर करो। तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो गुरु, आप लोगों ने सूर्य कुमार यादव को बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए देखा है, या फिर कहें कि अब लोग उनको मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानने लगे हैं, लेकिन गुरु क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि सूर्य कुमार यादव को बैटिंग किसने सिखाई, या फिर कहें कि उनके बैटिंग कोच कौन थे? बैटिंग कोच मेरा वो है, कुछ भी 360, हमारे 360 जो उनका आज नया रूप देखने को मिला। तो आइए हम दोनों से मुलाकात करते हैं और इनसे जरा गपशप करते हैं। मुलाकात तो कर ले। ये इनिंग थी कि मतलब जैसे आप खेलते 370 वो मैंने आपको अलग सिखाया, लेकिन ये इस विकेट पे जो पूरा आपने मुझे अडॉप्ट किया, मेरी बैटिंग पे अडॉप्ट किया कि भाई देखो मेरी रेड बॉल वाली वीडियो देखी थी ना ट्रॉफी की, एक्चुअली जैसा आपने मुझे लास्ट सीरीज में सिखाया था, लास्ट T20 सीरीज में मैंने वही ट्राई किया आज करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे और सिखाएं थोड़ा बैटिंग की, और मैं कैसे कर सकता हूँ और अच्छा और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। व्यूअर्स ध्यान दीजिए प्लीज, ये यहाँ पे मजाक में मत लेना, बैटिंग कोच है भाई, सब सिखाता है ये मुझे।
रूबरू वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अधिक वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।